चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव की एक मज़ेदार रेसिपी। इसके लिए मैंने सब्जियों को कटिंग कर ली है। मैंने पाव ली है, अब इसको मैं इस प्रकार से कट करते रहूँ। देखिए मैंने दो पाव को एक साथ कट कर दी है। आप चाहे तो एक एक करके कटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने सभी पाव को अच्छे से कट कर दूंगी। देखिए मैंने इसको अलग अलग सिंगल को एक क्लिक एक एक को इस प्रकार से कटिंग कर दे रही हूँ। मैंने सभी पाव को अच्छे से कट कर ली है। अब इधर मैंने पैन ली है, इसको गर्म होने देंगे। पैन अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें ऐड कर रही हूँ घी। आप चाहे तो बटर भी यूज़ करते हैं या तेल यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें पाव को इस प्रकार से डाल के सेक रही हूँ। देखिए देखिए हल्का हल्का इसको प्रेस करना है इस प्रकार, और फ्लेम को लो रखना है। हमको ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का सेकना है। देखिए इस प्रकार से हल्का प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। मैं इस साइड भी हल्का हल्का नीचे घी ऐड कर दे रही हूँ और इसको हल्का इस प्रकार से सेक लेना है। इसको पलट पलट के अच्छे से इस प्रकार से सेक ले। देखिए पाव अच्छे से सेका गया है। अब मैं इसको निकाल कर जो और पाव है उसको सेक लूँगी। देखिए इसको पहले निकाल ले रही हूँ और इसमें मैं फिर से घी ऐड कर दूंगी। और इसी तरह से पाव को हम लोग सेक लेंगे। देखिए अगर टूट भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हल्का प्रेस करते हुए सेकना है सभी को। इस प्रकार से बहुत अच्छे से सीख गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी। इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, अदरक, चाहे तो आप इसको मिक्सी में पीस भी सकते हैं। मैंने कट करके ली है। इसको अच्छे से भून लेंगे, फिर मैं इसमें ऐड करूंगी कच्ची मिर्ची, प्याज, इस प्रकार से फैला के इसको अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। इसको भी इस प्रकार से अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम को लो रखना है, ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ शिमला मिर्च,
इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और हल्का भूंज लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ पाव भाजी मसाला, और अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, अगर आपके पास अमचूर नहीं है तो नींबू भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा नींबू भी डाल दिया। नींबू का रस यूज़ करना है मतलब। इस प्रकार से इसको अच्छे से लो फ्लेम में हम लोगों ने भूंज लेंगे। अब इसको मैं या तो आप इसी में तवे में ही एक साइड करता हूँ, या फिर इसको अलग से निकाल के रख सकते हो। देखिए अब मैंने जो पाव सेके हैं उसको ले रही हूँ। देखिए अब मैं इस मसाले को बीच में इस प्रकार से ऐड कर दे रही हूँ हल्का हल्का। इतना और इसको दूसरे पाव से ढक दी है। इसी प्रकार से मैंने सभी पाव को इस प्रकार से भर के ढक लेना है। देखिए और इसको सभी को भर लिया। अब इसको हल्का हल्का और सेक लेंगे। और ऊपर से आप कच्चे मिर्ची, धनिया, सेव वगैरह।